छोटे दुकानदारों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है। कराची में दुकान के खातों को महफूज बनाने के लिए मुनफरिद उधार ऐप तैयार कर ली गई है। ऐप डेवलपर के मुताबिक अब छोटे दुकानदार बिजनेस से मुतालिक तमाम सहूलियात को बरोएकार ला सकेंगे और ऐप के जरिए दुकान पर मौजूद सामान और लेन देन के खातों को डिजिटलाइज किया जा सकेगा। यही नहीं, किससे कितना कर्ज लेना है और किससे कितनी अदायगियां करनी है, सब ऐप में महफूज किया जा सकेगा। जबरदस्त ऐप। हमारे जो मोहल्ले में दुकान थी जहाँ पे हम रोज ऑफिस वाले जाके अपने चिप्स, कुकीज, ड्रिंक्स लेते थे, सही, और बड़े अच्छे इखलाक वाला वो बंदा था, बाबर नाम है उसका, सोनी स्वीट्स के साथ ये दुकान, तो हमें, हम सब का बड़ा पसंदीदा आदमी था वो। तो वो कुछ अरसे बाद पता लगा कि उसके साथ जो उसके एसोसिएट्स थे उन्होंने कोई गेम खेली और उसकी जो है चोरी हो गई और बहुत सारे खातों में उसको नुकसान हुआ और उसकी बेटी की शादी भी आने वाली थी। ओके। तो इस चीज़ का हम पे बड़ा इफेक्ट हुआ कि हम ये टेक्नोलॉजी बना रहे हैं और बड़े कारोबार जो हैं उनकी रीच में है ये, और वो अपने अकाउंट सेफ रख सकते हैं, अपना सामान सेफ रख सकते हैं, लेकिन एक आम दुकानदार जो है उसके पास क्यों नहीं है। तो तब से फिर हमने ये ऐप बनाना शुरू की और कोई महीना हुआ है इसको लॉन्च किए हुए, सही, और इसकी ट्रैक्शन काफ़ी अच्छी है। तो ये हमारी होम स्क्रीन है जी, और होम स्क्रीन के अंदर आप अगर सेल्स करना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे एक बड़ा सा कैलकुलेटर आ रहा है सामने। तो आप किसी भी दुकान पर जाते हैं तो वहाँ कैलकुलेटर होता है उनके पास, बताएं जल्दी जल्दी। जी, कैलकुलेटर में वो जाते हैं अपना वो ऐड करते हैं, ठीक है, लेकिन इस कैलकुलेटर का फ़र्क ये है कि वो साथ साथ आपका सेव कर रहा है सारा ट्रांजेक्शन। अब आप कैश पे करना चाह रहे हैं या उधार पे करना चाह रहे हैं? उधार पे करना चाह रहे हैं। ये शाह को उधार दिया हुआ है पहले, इतना थोड़ा सा और उधार दे देते हैं, पूरा उधार देते हैं। और फिर ऐसा भी है कि वो अगर कॉल करेगा तो साथ ही लिखा है इस बंदे ने इतना उधार देना है। ये बिल्कुल देखिए एक फीचर है जो हम ऐड कर सकते हैं। टाइम खत्म हो चुका है, ये फीचर है। थैंक यू सो मच शाहजान, आप सब मौजूद थे, ऐप से मुताबिक बात करते हैं।